ये तस्वीरें उस मध्य प्रदेश की हैं जहां पानी और बिजली के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें मंडला जिले के देवारा ग्राम पंचायत की हैं, जहां ग्रामीण पानी की समस्या से कुछ इस कदर परेशान हैं कि उन्हें एक घूंट पानी पीने के लिए भी सूखी नदी में गड्ढे करना पड़ रहा है ताकि रिसता हुआ पानी उन्हें मिल सके। इन ग्रामीणों को इसी पानी को भी पीना है, नहाना भी है और जानवरों को भी पिलाना है। मंडला शहर से महज 15 किलोमीटर दूर है ये देवारा ग्राम पंचायत, जहां के लोग कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री की नल जल योजना की जमीनी हकीकत यहां अच्छे से दिखाई देती है। पानी के लिए लोग गांव से आधे किलोमीटर दूर अपने पूरे परिवार के साथ इस सुरपन नदी पर पहुंचते हैं। इस गांव की जनसंख्या 2000 है। ज्यादातर लोग मजदूरी और नदी के पास कछार लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गांव के पुरुष रोजी रोटी की तलाश में शहर जाते हैं, लेकिन महिलाओं को परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो पानी की समस्या को लेकर धूप छाव न देखकर नदी की ओर जाती हैं और नदी में झिरिया बनाकर पानी लेकर अपने घर पहुंचती हैं। ग्राम दीवारा है, समस्या जी पानी के बारे में बहुत परेशान है। दीवारा की आम जनता बहुत परेशान है, समझ लो कि देखो नदी में झिरिया निकाल निकाल के और पानी चुल्लू चुल्लू भर भर के ले जा रहे हैं। मवेशी को पानी पीने के भी नहीं है। हाँ, नहाने के लिए अभी देखे 2-4-6 आदमी डटे हैं, सब लोग पानी नहा रहे हैं। यहाँ पर आप खुद देख रहे हो इतनी समस्या है पानी की। ट्यूबवेल लगा जरूर है पर वो अभी भी नहीं चला, वो सो के लिए है। वो पानी की है, पानी की वजह से बच्चे, हम नदी में गड्ढा करते हैं फिर पानी छनाते हैं फिर पीते हैं, इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। हम गरीब लोग, हमारे घर के बुजुर्ग सियाने पुरुष लोग सब बाहर जाते हैं शहरों में काम करने, हम लोग घर में रहते हैं। हमें बच्चे बीमार पड़ते हैं फिर उनके पास फ़ोन करो तो वो आते हैं, इलाज करवाते हैं। पानी की वजह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ दोबारा ग्राम में जो है पानी की बहुत समस्या है। और कहना चाहिए लोग बाग बिल्कुल चुरू चुरू है, पानी के त्रास द्राक है हो रहे हैं। और कहना चाहिए कि मवेशी जो है, कहना चाहिए कि मवेशी सूख रही है बगैर पानी। कहना चाहिए व्यवस्था पूरी, पेट भर पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए सर आपको हम निवेदन कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था जो है बना सकते हो तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो है नदी के पास अपने सब्जी भाजी भी, हाँ जी हाँ, से क्या प्रभाव पड़ रहा है उसमें? उसमें सूख रही है, पानी नहीं मिल रहा, सूख रहा है धंधा सब। कहना चाहिए कि पूरे सूख गए झाड़ झाड़ू का, अब उसमें गरीब आदमी कहाँ से पल। बताया जाता है कि 4 लाख की लागत का प्रधानमंत्री नल जल योजना का काम ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया गया था, लेकिन 2-3 साल बाद भी समस्या जस की तस है। आज भी नल पानी की जगह हवा दे रही हैं। वहीं जब इसको लेकर ग्राम पंचायत सचिव से बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। सर ये जो नल जल योजना के तहत जो ग्रामीणों में जो पाइपलाइन जो गड़ाई गई है वो समथिंग 2 साल करीबन हो गए, और इसके साथ साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट समथिंग 5 लाख के ऊपर का हुआ है। और इसके बारे में बोला जाए जानकारी जब हम ले रहे हैं सरपंच द्वारा, तो सरपंच द्वारा बोला जा रहा है कि ये ठेकेदारी काम है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब यही उनका कहने का तात्पर्य। और बोला जाए तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कोई तरीके का, मतलब बोला जाए तो अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। ठेकेदार को सिर्फ भरना टाइप भरे हैं, वहाँ से पाइपलाइन बाहर बाहर बस गड़ा दी गई है। अंदर में जो गाँव है वहाँ पर कहीं पर पाइपलाइन नहीं गड़ाई गई। और देखा जाए तो हमारा गाँव इतना सूखा पड़ रहा है कि आज की डेट में हम नदी नाले में झिरिया खोद के और पानी निकाल के और पानी का ठहराव करके पानी लेके आके और गाय बैल को और अपना पालन पोषण, मतलब पानी का यूज़ कर रहे हैं अपन लोग। और इसके साथ साथ जो नल बने हुए हैं नल में भी पानी नहीं आ रहे हैं। इसके भी हमने दिखाया कि नल में जो बिल्कुल पानी नहीं आ रहे हैं, नल भी खराब पड़े हुए हैं। इसमें सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे। 3 साल पहले नल जल योजना चालू हुआ था, उस दिन से आज दिन तक नल जल की पानी मतलब सप्लाई नहीं किया गया। इसके बाद अपने एक साल पूर्व फिर से नए सर्वे करके प्रस्ताव वगैरह सब नए लाइनिंग के लिए दिया गया है जो PHE विभाग को, तो आज दिन तक अभी तक काम चालू नहीं किया गया है। क्या कारण था कि वो चालू ही नहीं हुआ, क्या ऐसा क्या परेशानी आ गई थी? अब जानकारी के अनुसार तो बोर भसक जाने के कारण
वो सप्लाई चालू नहीं हुआ है। लेकिन ग्रामीणों का ये मानना है कि तैयार करके ठेकेदार ने ग्राम पंचायत को सौंप दिया, तो उसके बाद से कभी शुरुआत ही नहीं की गई, नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? बोर भरसक जाने के कारण, ऐसी जानकारी सरपंच से लगने के बाद अपने को ये मालूम हुआ है। लेकिन ग्रामीण तो ये बता रहे कि ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। अब ये तो जानकारी अपने सामने तो अवगत नहीं हो, अपने तो सरपंच से ही जानकारी लगे कि बोर भैसक जाने के कारण नल जल संचालित नहीं किया गया। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या ग्रामीणों को नल जल की सुविधा मुहैया कराई जाती है या उन्हें सारी गर्मी यूं ही जरिया से पानी निकालना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।